बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज हमने जीडीपी जिस सब्जेक्ट की सॉल्व करनी है उसका नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 है। उसका सब्जेक्ट कोड CS605 है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले वही थोड़ी सी दरख्वास्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि आप मेरे अंदर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। तो चलें अपने जीडीपी की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। टॉपिक है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज डेवलप्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन किया है या उसको डेवलप किया है। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कस्टमाइज फॉर न्यू कस्टमर्स हैविंग एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। करें ये जो सिस्टम है ये कस्टमाइज है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कस्टमर्स के लिए जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कस्टमाइज बनाया गया है और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन पॉइंट्स को सिस्टम में इंकॉर्पोरेट किया गया है। अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वांट टू टेक द सर्विसेज ऑफ दिस कंपनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड वांट टू हैव सम इन्वॉल्वमेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। करेंट बहुत बड़ी कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंपनी की खिदमात हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए और ये भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में अपनी एंगेजमेंट को रखेंगे यानी शामिल लेंगे। इन दिस सर्कमस्टांसिस विल इट बी अ गुड आइडिया टू री इंजीनियरिंग द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर और डेवलप अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर एनवायरमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो ये एक अच्छा ख्याल है कि कंपनी री इंजीनियरिंग करके जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसी को यूज़ करे या नया सॉफ्टवेयर डेवलप करे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए। जस्टिफाई योर आंसर विद वेरी वेल डिफाइंड एंड साउंड रीजनिंग इन आइदर केस। कहें जो भी आपका आंसर हो या यानी आप री इंजीनियरिंग को यूज़ करना चाहते हैं या नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं आपने उसके लिए अपने सपोर्ट में जस्टिफिकेशन के लिए रीजंस देनी है। अ कंसाइज कोहेरेंट एंड टू द पॉइंट कमेंट इज प्रेफर्ड ओवर लेंथी कमेंट हैविंग इररिलेवेंट डिटेल्स। कह रहे हैं कि कंसाइज कोहेरेंट और टू द पॉइंट जो जवाब होगा वो काबिल कबूल होगा बजाय इसके कि आप एक हद से ज़्यादा लंबा सवाल लिखें जिसमें गैर मुतलका डिटेल्स हों तफसीलात हों। योर कमेंट्स मस्ट नॉट बी मोर देन 4-5 लाइन्स। आपका जो कमेंट्स हैं वो 4-5 लाइन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कमेंट्स पोस्टेड ऑन रेगुलर लेसन MDB आर सेंड थ्रू ई मेल विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी केस। कह रहे हैं आपके जो कमेंट्स हैं लेसन MDB पर या आप अपने ई मेल के लिए जो जवाब भेजते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो ये हमारे पास टॉपिक था। तो हमने एक जो दिया के सिनेरियो है उसमें से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक री इंजीनियरिंग का ऑप्शन है और एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑप्शन है। तो हमने इसमें से एक को सिलेक्ट करना है और जिसको सिलेक्ट करना है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हमने रीजनिंग देनी है। तो चले मैं अपने आंसर्स की तरफ चलता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो यस इट विल बी द गुड आइडिया टू यूज री इंजीनियरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रादर स्टेप इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं जी हाँ, ये एक अच्छा ख्याल है कि आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग करें बजाय इसके कि आप नया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करें। फॉर जस्टिफिकेशन आई विल गिव द फॉलोइंग रीजन्स। मैं जस्टिफिकेशन के लिए दस जल जो है वजूहत बयान करूँगा। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जस्टिफाइड, कहते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी जस्टिफाइड है यानी वो टेस्ट के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको पास कर चुका है और उस इसलिए नए डेवलपमेंट में ये सारे प्रोसीजर दोबारा हमें रन करने होंगे। उसके अलावा क्या ले आउट इज़ अवेलेबल, हमारे पास ले आउट इसका अवेलेबल है। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग इज फिनिश्ड, वो ऑलरेडी हो चुकी है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ मिनिमाल, हमने उसको रिस्क फैक्टर उसके मिनिमाल कर लिए, ख़त्म तो नहीं हो सकते। मॉडिफिकेशन ईजी है यानी अगर जो नया क्लाइंट है वो कुछ नई चीज़ें ऐड करवाना चाह रहा है तो आप उसको मॉडिफाई करके ईजीली उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एज मैनी एडिशनल कस्टमाइज इनपुट्स आर रेडी इनकॉर्पोरेटेड
इनिट यानी इट सिस्टम है, इट हेल्प अ लॉट टू सेव टाइम। फिर मैंने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, कंपैरेटिवली डेवलपिंग अ न्यू वन, अगर आप नया सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे बनिस्बत उसके एग्जिस्टिंग पे काम करने से, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा जो आप किसी और मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और जो एक नहायत ही अहम पहलू है वो ये है कि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, आपके बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होंगे, बहुत लेस एक्सपेंसिव से आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। तो ये मैंने मेरा ये सारा आंसर 4 to 5 लाइन से ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया ताकि आप इसको इजीली देख सकें और इसको रीड आउट कर सकें समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।